अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम रमज़ान शरीफ के हवाले से रोज़े लेने जा रहे हैं, तो रहिएगा हमारे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं रुबीना फिरोजी ब्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मामा गई थी ग्रोसरी लेने रमज़ान की, क्योंकि काफ़ी दिनों से मामा काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो रमज़ान मुबारक भी आ गया माशाल्लाह से, तो रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया, तो मामा उसकी ग्रोसरी वगैरह ले आई हैं। अब हम उसको अपनी जगह पर चीज़ों को रखने लगे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत कम पैसों में माशाल्लाह घर का ये सारा सामान लेके आए हैं, किचन वगैरह का सारा टोटली। तो इसको हमारा किचन तो है नहीं, तो हम आपके सामने ये सारा है सेट करेंगे, इसी में ये टब में इस टब में सेट करेंगे। चले गए, हमने नमाज वगैरह तरावीह पढ़ जो वो अदा कर ली है, तो रात के तकरीबन 12 का टाइम हो चुका होने वाला है। ये माशाल्लाह, ये भी ये मैं अपने लिए लेकर आई थी जेली, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको वैसे भी बना के घर में वैसे भी खाती हूँ। और ये कस्टमर मैं पहली दफ़ा लेकर आई हूँ, ये पहले हमने ट्राई किया हुआ एक दफ़ा किया था, लेकिन उसके बाद नहीं किया। ये कोरमा है, ये कोरमा मसाला एक लेकर आई हूँ, बिरयानी मसाला पहले भी पड़ा हुआ है क्या? एक और पड़ा हुआ है, इसलिए कम लेके। और ये साथ में अपनी ये बेसन अपने लिए मकरोनी लेकर आई थी, अनारदाना है जो चटपटी चटनी में मैं खुद तैयार करती हूँ, डंडा दोरी के साथ पुदीना और हरा धनिया। ये मामा ने रमजान के लिए चटनी की मतलब चटनी लेकर आई है, ये अनारदाना लेकर आई चटनी बनाने के लिए तैयार वगैरह करने के लिए है जी। ये मामा इसके अंदर सारी चीज़ें वगैरह निकाल रहे हैं, ये कुछ फजर की पेंसिलें हैं और ये शॉप और रेज़र है, बाकी ये माचिस का डब्बा, बाकी नमक और ऑयल, बाकी ये सामान वगैरह दालें वगैरह और ये कुछ डब्बे। इसके अंदर मामा सारा सामान सेट करेंगी, क्योंकि हमारा किचन तो नहीं बना हुआ, तो हमें कमरे में इसके अंदर डाल के ना रखना पड़ता है। मैं हम सारी दाल वगैरह इकट्ठी करूँगी। मैं ये देखिए माशाल्लाह, जो सबसे बड़ी काफी वहाँ से ये फिल्टर किया हमने, फिर मैं इनको ना एकदम कपड़े के साथ साफ करती हूँ कपड़ों को दोबारा, क्योंकि उसकी जगह पे लेके आती हूँ। दाल चने, मूंग माश, मटर, ब्लैक चने, वाइट चने और कहाँ गया हमारा धनिया इसके अलावा। हाँ, ये दाल वगैरह होगी हमारी इधर जमा, इसमें क्या है ठीक है। हाँ, ये मटर है। ये ऊपर मामा ने कल के कपड़े वॉश किए हुए हैं, तो वो डाले हुए हैं और तो भी रात है। ये रहा हमारा माशाल्लाह, ये सारे सामान वगैरह मामा ने इसके अंदर रखे, जितनी भी दालें वगैरह थी और जो सामान था, ये साबुन वगैरह मामा रख लिए इसके अंदर, नमक साबुन सॉलेंट रख लिया मामा, मैक्स ये माचिस ये चीज़ें ना रखी जानी, चने ठीक है जब ठीक है जगह तो बचाने। ये चीनी वाला आ गया, ये चीनी ये रह गया, चीनी वाला डब्बा गया, ये चीनी वाला डब्बा गया, चावल वाला अरे वो इसको रख दिया इधर, मैं इसको साफ कर इसके ऊपर मिट्टी पड़ गई है, पड़ गई है इसको मैंने मामा साथ साथ ये धोने वाला है, रह गया ढक्कन भी साफ कर देती हूँ मैं इसका, ठीक है। ये इसमें अभी पानी है, ये मेरा डब्बा तो हुआ था, तो ये चावल वाला जैसे तो हुआ, क्योंकि इसके अंदर चावल से ये चीनी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने ये डब्बा धो लिया। बाकी जो ये सामान वगैरह ये हम रखते हैं आगे जाके। ये मामा ने ये सारे फोटो वगैरह सब कर दिए, और ये बाल्टी वगैरह भी अब मैं इनको उठा के चीनी वाली बाल्टी को उठा के मैं अंदर ले जाती हूँ, तो मैं इसको नीचे चार पेटी नीचे यहाँ पे करके मैं रख देती हूँ, तो फिर हम दोबारा जाएंगे ये उठाएंगे
चावल वाला डब्बा, और उसको भी हम कमरे में जाके, क्योंकि हमारे किचन तो है नहीं, इसलिए हम चार पे के नीचे ले जाए चीज़ें ऊपर पटने पीछे करके। सो अब ये टप चार पे के नीचे जाएगा, हम इसको उठा के लेके जाते। जी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें, ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह हम सेट कर देते हैं आसानी से, फिर हम यहाँ से सारी चीज़ें वगैरह ले लेते हैं, फिर हमें टब के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोबारा मम्मा ने अभी रहती हैं कुछ चीज़ें, कुछ शीशियाँ जो हैं वो रहती हैं, वो इंशाल्लाह सुबह ले आएंगे और साथ में ये कपड़े फोटो करके सेफ में रखेंगे। तो जी ये है हमारा छोटा सा घराना, हमारा प्यारा सा आशियाना। तो आपको कैसा लगा? अभी आपको हमने पूरा विजिट नहीं करवाया अपने कमरे का, क्योंकि अभी सफाई होने वाली है। तकरीबन मैं 2-3 माह बाद इनके सारे हर तरफ की सफाई सुथराई करती हूँ। तो ये हमारा स्टोर भी है, हमारा किचन भी है, हमारा क्या कहते हैं ड्राइंग रूम भी है, और हमारा कमरा रूम भी है। ये जहाँ पर हम रहते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, बहते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। ये हमारी छोटी सी इतनी सी जिंदगी है। सिर्फ ये पेंसिल जाके मैं रख देती हूँ ना, ये भी ले जाओ। ये कुछ पेंसिलें जो ना वो अंदर पहले भी ले गई है फजर ना। अच्छा, जो फ्रिज का सामान है वो मामा मंडी से ले आई थी, तो ये मामा सहरी के लिए हम वो मूल वाले पराठे बना के खा लेंगे, और ये साथ बंद गोभी, ये पता नहीं हांडे में डालने क्या करना है, इसका सैलड वगैरह, इसका मामा खास तौर पे इसका सैलड वगैरह बनाने के लिए लेकर आई थी, साथ मामा टमाटर लेकर आई थी। बाकी ये मामा ने कैचअप इसके अंदर डाल के रख दी हुई है, बाकी चीज़ें भरी हुई हैं, और इसके नीचे मामा ने ये मटर ला के रखे हुए हैं, और गोभी और गाजरें। मामा कहते हैं कि गाजरों का गजरेला बना के तो सैरी में हम ये खा ले करेंगे कभी। तो बाकी ये हर जगह मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई हैं, और बाकी ये मैं खजूर के अंदर डालने के लिए एक क्रीम भी लेकर आई हूँ, फजू ने भी खोल लिया इसको। बस यही हमारी ग्लोसरी का सामान, और ये साथ मंडी साथ साथ बाकी जो चीज़ें रहेंगी हैं वो हम बाद में साथ साथ ले करेंगे, क्योंकि हमने इकट्ठी चीज़ें नहीं हम लेकर आए, जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही लेकर आए हैं।